नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज, में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। गुना जिले के बीनागंज के पास हुई दुर्घटना में शिवपुरी के युवा व्यवसायी नमन अग्रवाल की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवा व्यवसायी चिराग की पत्नी की भी मौत हुई। टेंट व्यवसायी अंकुर सहगल, उनकी पत्नी सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीती मध्य रात बीनागंज की डिवाइडर से टकरा गई कार, जिसके बाद एक मकान में जा घुसी। बता दें कि शिवपुरी के ये तीन दोस्त अपनी पत्नियों के साथ महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन गए थे। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें दो बच्चे भी शामिल थे, जो कि सकुशल बच गए। उज्जैन के पास से लौटते समय अचानक बीनागंज के समीप पाखरियापुरा के पास अचानक गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसके चलते गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। इसके साथ ही गाड़ी रोड के किनारे बने मकान में जा घुसी, जहां से घायलों को गुना चिकित्सालय लाया गया। शिवपुरी में सहगल टेंट हाउस परिवार से रिलेटेड अंकुर सहगल और आरोग्य कुटीर मुद्रणालय, वहाँ के काफ़ी फेमस दोनों प्रतिष्ठान हैं, और एक अपने ब्यूटी मतलब रेडीमेड कपड़े का शोरूम है टेकरी पर। तीनों फैमिली थी, घूमने के लिए गए हुए थे। उज्जैन से रात में जब ये शिवपुरी के लिए वापस आ रहे थे, तो ये ब्यावरा के पास में वहाँ एक कार अचानक से डिवाइडर से टकरा कर अनियंत्रित हो गई और रोड छोड़कर कोई पास की सड़क के उस पर दो मंजिल मकान के ऊपर जाके टकरा गई। उसमें गंभीर हादसे में मौके पर ही दम तोड़ दिया था नमन अग्रवाल ने। तो नमन पीछे बैठा हुआ था और बीच में उसकी बाइक बैठी थी, वो खाली घायल हुई है प्रियंका, और उनके बाजू में ही बैठी हुई थी कल्पना मित्तल। उनके हस्बैंड आगे गाड़ी चला रहे थे, चिराग मित्तल, तो वो और पलका सहगल आगे बैठी थी और पलका के हस्बैंड पीछे थे अंकुर, और बेटा भी उनके साथ। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। ये करीब 2:15 बजे रात की घटना रही है, और उसके बाद में वहीं आसपास एक रोड कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, वो करीब ओम प्रकाश सैनी करके थे जिनसे मेरी सुबह बात हुई, उन्होंने हादसे की पूरी जानकारी दी। वो और गांव के लोग इकट्ठे होके आ गए थे, जिन्होंने पूरी मदद की और उनको समय रहते निकाल लिया। नहीं हो सकता था ये हादसे का पर्याय कुछ ज़्यादा होता। मधुसूदनगढ़ के खेराड़ गांव में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 86 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिनमें वरवधु को सरकार की तरफ से मिलने वाली सामग्री सहित 25,000 रुपये वधु को दिए गए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चाचोड़ा विधायक ममता मीना उपस्थित रहीं, जिन्होंने अपने हाथों से वर और वधु को सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि उपलब्ध कराई। तू हट जा बेटा, तू क्यों काम आ रहा है? जा, अब तू पढ़ाई करके फिर लड़ा के जा। बमरी में सुबह 5 बजे अचानक जगदीश यादव की दुकान में लगी आग। आग में लगभग 12 से 13 लाख रुपए का सामान जलने की बात सामने आ रही है। जब तक लोग को समझ पाते तब तक दुकान में रखा सारा सामान खाक हो चुका था। ग्रामीणों एवं पड़ोसियों ने दुकानदार की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में 3 दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी के दौरान दमकल को भी फोन लगाया गया, लेकिन जब तक दमकल मेमोरी पहुंची तब तक दुकानें जल चुकी थी। बड़ा
दुकानदार के अनुसार लगभग 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के बाद ही पता लगेगा कि आखिर आग लगने के कारण क्या थे। पहले मटेरियल कम से कम 20-22 लाख का करीब का माल है। अच्छा, कैसे लगी आग? ये आग पता नहीं, हम तो आने देख पाए। कर्मचारी ने पीछे आग लगाई। नहीं नहीं, जूते चप्पल ही दुकान थी। करीबन 10-12 लाख का नुकसान हुआ। गाजर में हुआ सड़क हादसा जिसमें घायल को जिला चिकित्सालय लाया गया। डायल 100 को सूचना मिली कि गाजर के रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसे तुरंत डायल 100 मौके पर पहुंच और युवक को जिला चिकित्सालय लाया गया। गाजर गांव में हुआ है ये तो पता नहीं, पर वो कोई आदमी आया तो वो इनको उठा के मार लिया है। जैसे मंदिर पास होटल है ना, हिल ढाबा, उधर ये कटिया पर उसको मारते ले आए थे। फिर इन्होंने बताया था जो कोई उठा के लाए थे, उन्होंने हमको बताया कि अगर एक्सीडेंट हो गया। अभी नहीं पता, एक थी मोटरसाइकिल किसी की, ये अकेले ही जा रहा, अकेले ही था, पैसे लेने जा रहा था। अकेले प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी किसान हो रहे हैं परेशान। तुलाई करने वाली सोसाइटी कर रहे किसानों को जान करके परेशान। कई किसान गुना के बीज निगम में पिछले 5 से 6 दिनों से रुके हुए हैं। इस तेज गर्मी में भी आलम यह है कि गरीब किसानों को रोड पर ही सोना पड़ रहा है। इस समय बीज निगम में करीब 100 ट्रैक्टर से ज्यादा खड़े हुए हैं, जो कि अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार 20 कांटे लगाए जाने थे, लेकिन लगाए गए केवल 11, जिनमें से केवल 8 ही चालू हैं। बाकी के कांटे केवल इसलिए रखे गए हैं ताकि अधिकारी अगर निरीक्षण करने आते हैं तो उन्हें दिखाया जा सके यहाँ पर 20 कांटे लगे हैं। बीज निगम में खड़ी 2 रोज से तो अभी तक तुलाई नहीं हो पाई। कांटे कम चल रहे थे कल, कांटे कम थे तो फिर आप खाने पीने का इंतजाम घर से और पानी की कोई व्यवस्था? पानी की कमी चल रही है, कोई नहीं है। तो अभी कहाँ से भर के लाते हो आप? बाजार में से लाना पड़े। धूप 5 दिन से यहाँ पे बीज निगम में। तो 5 दिन से खड़ी है आपकी? 2 दिन से यहाँ खड़ी थी, 2-3 दिन से वहाँ खड़ी थी, दशहरे मैदान में। तो अभी तक आपकी तुलाई नहीं हो पाई? अभी नहीं हो पाई। उनसे बात करी है आपने? अभी नहीं करी, वो नंबर से छूट रही है, ट्रॉली नंबर के हिसाब से चल रही है। तो आपका नंबर नहीं आ पाया? अभी नहीं आ पाया। तो 5 दिन से आप करीबन इधर ही हैं? 5 दिन से करीब, अभी 4 रोज हो गए। 4 रोज तो आपका नंबर नहीं आया अभी तक? अभी तक नंबर नहीं आया। तो इससे बात करी आपने किसी संचालक से? वही जब हमारी बात तुलाई करने वाले सतीश बैरागी से हुई तो उन्होंने माना कि केवल 8 कांटे ही चालू हैं। वहीं लेबर ना मिलने की चलते दिक्कत आ रही है, ऐसा उनका कहना है। हमने जब सवाल किया कि शासन ने 20 कांटे लगने की बात कही है तो आप बात कर रहे हैं खम्मालों की, तो वो कैमरे के आगे से मुंह छुपाकर भागने लगे। सतीश बैरागी,
पूरे बारदाने का होता है सर, इसमें मिलती है खरीदी उपार्जन संस्था। क्या क्या चीज की है आपकी? मेरी जवाबदारी है सर, मतलब माल तोलाना और किसानों को संतुष्ट करना, सही साठ माल तोलना, ईमानदारी से कार्य करना और प्रशासन का भी मुझे काफ़ी सहयोग है। मेरे कांटे लगाने का निर्देश मुझे कल मिला था 20 का, अभी सुचारू रूप से 8-9 कांटा चालू है, कुछ लेबर नहीं मिलने के कारण अभी बंद है इसका कुछ सुचारू रूप से सत्य ही बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं लेबर भी ढूंढूंगा, कांटा सुचारू रूप से या तो क्यों नहीं संभल पा रहा तो नहीं, इनकी जिम्मेदारी क्या है? जवाब दो जी। आप जा क्यों रहे हैं? समझ से पर है कि अन्नदाता आखिर करे तो करे क्या? इस तरह से चना खरीदी का काम कब तक खत्म होगा यह तो समय ही बताएगा। अखिल भारतीय डाक सेवक अपनी मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। डाक सेवकों की माने तो मध्य प्रदेश में करीब 16,000 डाक सेवक है, जिनकी मांग यह है कि उनके वेतन 7वें वेतनमान के हिसाब से दी जाए। वहीं कमलेश चंद्रा के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर उन्हें वेतन में संशोधन भी किया जाए। साथ ही डाक सेवकों ने यह भी कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक कोई भी डाक सेवक काम नहीं करेगा। देखने लायक होगा कि प्रशासन और शासन इसमें क्या रुख अपनाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 2,72,000 ग्रामीण डाक सेवक हैं, मध्य प्रदेश में 16,000 हैं। कमलेश चंद्रा की जो रिपोर्ट है 7 पे कमीशन की GDS की, ढाई साल से लंबित है। और ये मोदी जी ये कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, जे एकमात्र ग्रामीण डाक कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रामीण क्षेत्र में है। आज तक ग्रामीण क्षेत्र में 6,000, 6,500, 7,000 रुपये मिलते हैं, 5, 6, 7, 8 घंटे तक काम करते हैं, उन्हें आज तक पे कमीशन नहीं दिया जा रहा है। पहले 7 दिन हड़ताल की, कमलेश चंद्रा की रिपोर्ट लंबित है, कैबिनेट में 2 अप्रैल से पड़ी हुई है, आज तक उसको अप्रूवल नहीं दिया गया है। इस कारण पूरे ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल पर चले गए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक हमारी कमलेश चंद्रा की रिपोर्ट अप्रूवल नहीं होगी जब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे। संजय स्टेडियम में क्रिकेट पिच बनाए जाने को लेकर लोगों में भारी विरोध है। गुना जिले में अगर एथलीट की बात की जाए तो यहां पर केवल 2 ही पिट है, एक गुना के संजय स्टेडियम में और दूसरा चाचोड़ा में। यदि संजय स्टेडियम पर क्रिकेट के लिए जगह सुनिश्चित की जाएगी तो एथलीट कहां जाएगा, कैसे करेगा वो अपनी प्रैक्टिस? कोच बताते हैं कि लॉन्ग जंप के लिए कम से कम 10 मीटर की जगह दौड़ने के लिए होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेत्री ने बताया कि खेल को लेकर राजनीति नहीं दिखाई जानी चाहिए। ये जो क्रिकेट की वो बनाई जा रही है ये बिल्कुल गलत है मैच, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जंपिंग पिट संजय स्टेडियम में या अपने गुना जिले में, इस पिट के अलावा केवल एक पिट चाचौड़ा के बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में है, उस पर एथलेटिक्स के बच्चे तैयारी भी करते हैं। इस पिट के अलावा कहीं दूसरी पिट नहीं, ऑलरेडी ये पिट वैसे ही ख़राब होने की स्थिति में है। अब इसके अलावा अगर कहीं दूसरी पिट चाहिए तो इतनी लेंथ कहाँ से लाएंगे, क्योंकि मिनिमम जो है 30 मीटर की लेंथ चाहिए। लॉन्ग जंप की पिट के लिए कम से कम 30 मीटर का रनवे होना चाहिए और 1.22 मीटर चौड़ा होना चाहिए, और जो जंपिंग पिट की लेंथ रहती है ये मिनिमम 10 मीटर होना चाहिए, 10 मीटर से कम की जंपिंग पिट नहीं रहती, और 3.25 मीटर इसकी चौड़ाई भी होना चाहिए। क्योंकि जब अच्छे एथलीट जब अपन कोई कॉम्पिटिशन बड़े स्तर का कॉम्पिटिशन कराते हैं तो मिनिमम क्वालिफाई 6 मीटर रखी जाती है, 6 से, क्योंकि आज एथलेटिक्स में कहीं ना कहीं भारत का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। पिछले ओलंपिक में अंकित शर्मा पहली बार जिन्होंने 1.19 मीटर के साथ, पहले भारतीय एथलीट थे जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था,
और वो हिंदुस्तान के किसी बहुत बड़े शहर से बिलोंग नहीं करते थे, मुरैना के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते। प्रतिभा यहां पर भी है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट, वाकई मेरी बात में सत्यता नहीं है, अगर इस बात को प्रूव करना चाहता है तो कल ही मैं यहाँ अपने एथलीटों को बढ़ा सकता हूँ जो 6 मीटर प्लस किसी जंपिंग पुट में मार सकते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं हैं, मैं तैयारी कराता हूँ, मुझे मालूम है कि एथलीट कैसे तैयार हो। अगर मुझे उन बच्चों को कंपटीशन तैयार करवाना है तो मैं कहाँ ले जाऊँगा। तो ये जो टर्फ विकेट बन रही है, इस टर्फ विकेट से किस प्रकार से खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है ये बताने का कष्ट करें। इस टर्फ विकेट के बनने से लॉन्ग जंप बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई भी लॉन्ग जंप के लिए खिलाड़ी नहीं रहे, कहाँ करेंगे बच्चे लॉन्ग जंप के लिए। और अगर बाकी टर्फ का, बाकी सभी लोग क्रिकेट का भला चाहती है, शहरवासी सभी क्रिकेट का भला चाहती है, तो क्रिकेट की पिच को बिल्कुल सेंटर में बनाया जाए, एक की जगह 3 टर्फ विकेट बनाई जाए, विधिवत क्रिकेट चले। इस मैट में चलाने से कोई मतलब नहीं, जब बच्चा इसमें प्रैक्टिस करके जाता है तो बाहर जाता है तो वो 30 मीटर की सर्किल में कैच दे के चलाता है। अगर उसको मालूम ही नहीं रहता है क्योंकि वो तो 30 मीटर के अंदर के दायरे में प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उसको बाकी 75 की सर्किल मार रहा है तो उसको सेंटर में मराइए। क्रिकेट का बाकी भला चाहता है सर, उसको अच्छी बनाइए, सेंटर में मराइए, बाकी खेल तो होता है अपने आप हट जाएंगे अगर बाकी डेवलप होगा। आज एक ग्रुप अलग हो गया तो उन्होंने दूसरी बना ली, कल दूसरा ग्रुप, कल इनके साथ का कोई अलग हो जाएगा तो फिर फिट बनेगी, तो क्या बाकी खेल खत्म हो जाएंगे। क्रिकेट को तो वैसे ही इतना पॉपुलर खेल है तो बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों के खेल है वो तो खत्म हो जाएंगे। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि कुछ भी हो अच्छा हो, जंपिंग क्रिकेट बिल्कुल खत्म न की जाए। आप हाँ, मेरे नज़रिए से बिल्कुल जंपिंग बिल्कुल गलत है। क्या होगा कि जब हम इसमें जिला स्तर या राज्य स्तर भविष्य कराने का प्लान बनाएंगे कि सब स्टेट एथलेटिक्स का कोई भी आयोजन कराना चाहें तो फिर वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जब एथलेटिक्स का कोई आयोजन होता है तो ट्रैक के अंदर जगह चाहिए। ये जंपिंग पिट, ये क्रिकेट की पिट बनने की वजह से ट्रैक संभवतः हो सकता है कि ट्रैक में दिक्कत आ जाए आने वाले समय, क्योंकि जब खिलाड़ी दोनों तरफ क्रिकेट के खेलेंगे तो फिर वो क्यों खेलने देंगे। देखिए ऐसा है, मैं क्रिकेटर रहा हूँ पुराना, इसी ग्राउंड से मैंने अपनी क्रिकेट की शुरुआत की थी। जब हम लोग खेला करते थे तब इतना ज़्यादा बाउंड्री भी नहीं थी, खुला हुआ मैदान था, तब भी इतनी अव्यवस्थाएँ और अनियमितताएँ नहीं थी। अब चूँकि मैं क्रिकेट उतना नहीं खेलता हूँ, बच्चे लोगों को थोड़ा बहुत टाइम देने के लिए आ जाता हूँ, कभी मैं खुद ग्राउंड आता हूँ तो बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ बताना है तो बता देता हूँ। मैं क्रिकेटर की हैसियत से बोलूँ तो जिस तरह का आज का माहौल है इस ग्राउंड, ये शहर का आपको पहले बताया वंदना जी ने, हृदय स्थल है, इतना अच्छी जगह बीच गुना में कहीं नहीं मिलेगी, उसको जिस तरह से आज एक कोने कोने में बांट के चारों तरफ एक उसको घेर दिया, मतलब एक खुली जगह जो ग्राउंड की कहना चाहिए होती है वो है ही नहीं है। सुबह जब हम लोग घूमने आते हैं, कुछ खेलने या वर्कआउट करते हैं, तो एक तो ये दरवाज़ा खुला हुआ है, यहाँ से पूरी जनता निकलती है। अब अगर बच्चा क्रिकेट 1989 में जहाँ लॉन्ग जंप हाई जंप का ग्राउंड मैंने बनवाया था, वो पिट खुदवाई थी, 11,000 रुपये उसमें खर्च हुए थे, और उसी जगह पर यदि ये बनाया जा रहा है तो एथलेटिक्स को नुकसान है। उससे सैकड़ों बच्चे स्कूल के, कॉलेज के, खेल युवक कल्याण के, आज देश में कोई संभाग लेवल पे टॉप मारा है, कोई मध्य प्रदेश में, तो उन बच्चों का तो पूरा लॉस ही हो रहा है। और जब यहाँ पर दो दो पिच बनी हुई है तो तीस ऐसा नहीं है, क्रिकेट के ऑलरेडी टोटल पहले से ही 6 नेट चल रहे हैं, तो आपसी में सामंजस्य करके ये लोग कर सकते हैं इसमें। और अभी संभावना ये भी है कहीं टर्फ डाला तो फिर मान लो उस पोजीशन में कहीं टर्फ डाला और उस साइड डाला तो सारी एक्टिविटीज ही फिर आधी आधी हो जाएंगी, सभी खत्म है, मतलब भाई टर्फ की संभावना है, भाई टर्फ की संभावना है, कल को अगर टर्फ डलता है तो फिर क्या करेंगे। और अभी आप देखें तो गुना जिले में सिर्फ एक ही स्टेट पिच कैसे बना सकती है, इसमें पैसा कैसे लगा सकती है। तो मेरा कहना यह है कि इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए, सबसे पहले प्रशासन को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए, इसमें सारे जो कोच हैं उनको बिठाना चाहिए, और इनको बिठा के, और मैं तो कहती हूँ सारे खिलाड़ियों को इसमें आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं, हम सबको मिलके हम डिसीजन लेंगे कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। मेरा मानना तो ये है कि इसमें राजनीति नहीं है। विद्युत मंडल की लापरवाही से कभी भी घट सकती है कोई बड़ी दुर्घटना।
ऐसा एक मंजर देखने को मिलता है खेज रतक से चंदन खिरिया रोड पर, जहां 11 किलोवाट की विद्युत तार रोड पर लटकी हुई है, जिससे आसानी से पकड़ा भी जा सकता है, जिसके चलते यहां पर एक बड़ा हादसा कभी भी संभव हो सकता है। शायद विद्युत विभाग ऐसे ही किसी अनहोनी के घटने का इंतजार कर रहा है, उसके बाद ही शायद विद्युत विभाग की नींद खुलेगी। हालांकि कई बार ग्रामीणों ने शिकायत करने पर भी ना तो लाइनमैन सुनता है और ना ही सुपरवाइजर। लाइट वाले को बुलाया, बिजली विभाग वाला कोई भी नहीं आया। हाँ। और ये समस्या हो रही है कि लाइट का तार लटक रहा है। हाँ। कोई भी ट्रैक्टर, कोई भी मोटरसाइकिल ये आ जाएगी और कट लग जाएगा, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे। आदमी मर जाएगा, गैया भैंस मर जाएगी, मोड़ा मोड़ी फिर रहे, चरा चली फिर रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। सर हमको बहुत परेशानी आती है, रेन का तार नीचे माथे पे आने लग गए हमारे, हमारी सुनवाई भी नहीं होती है। ये न जाते हैं तो मोबाइल भी नहीं उठाते हैं सर, लेन देन वाला नहीं सुनते है हमारे, निकलता है ये रोड पर सब जनता हम खड़े रहते हैं। करंट लग जाए, कभी करंट लग जाए तो मर जाए बाल बच्चे भेड़ ढोर ट्रैक्टर वाले, ये रोड पे खड़े हम तार के नीचे ही खड़े तो हमारी सुनवाई नहीं होती, कभी मर जाएंगे तो फिर बाद में भी तो देखना आएंगे। धन्यवाद से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय इन दिनों भगवान भरोसे है, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर शराब के नशे में करते हैं इलाज। ऐसा एक मंजर देखने को मिला गुना ओपीडी में, जहाँ शशिकांत दास जो कि ओपीडी में इंचार्ज थे वो इलाज करते नजर आए। जिस समय शशिकांत दास इलाज कर रहे थे उस समय उन्होंने काफी मात्रा में शराब पी रखी थी, जिससे उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था, ऐसे में वो इलाज क्या करते। वहीं शराब के नशे में उन्होंने कई मरीजों को दवाई भी लिख दी, अब ना जाने कैसी दवाई उन्होंने दी ये तो भगवान जानता है। अब मरीजों पर उसका क्या प्रतिकूल असर पड़ता है ये तो समय रहते ही पता चलेगा। वहीं ओपीडी के पास डॉक्टर रूम में भी शराब का गिलास और खाने के लिए नमकीन भी मिला। जब हमने इस बात की शिकायत सिविल सर्जन से की तो उनका कहना था कि वो इस समय मीटिंग में बाहर आए हुए हैं। अब देखने लायक होगा कि ऐसे डॉक्टरों को क्या यहां से पदविहीन किया जाता है या नहीं, या फिर किसी अनहोनी के बाद ही इनको यहां से बेदखल किया जाएगा। बच्चा खो जाएगा भी तो दो ही कोई फिर पुलिस वाले को बुलाओगी। जाना मैं आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।